Hello, you have logged into One India News YouTube channel and this is Mariam. Amid the ongoing standoff between the two countries, that is India and China, over the Doklam issue, residents in Kanpur city of Uttar Pradesh staged a protest against the supply and use of goods made in China. The residents urged Indians to completely shun using goods that were manufactured in China. As far as the Doklam issue is concerned, China has been threatening India time and again with a war. Against this backdrop, it is no surprise that Indians are getting more and more enraged with every passing day. Amidst this backdrop, many have also been demanding a complete ban on Chinese products. जिस तरह से चाइना हिंदुस्तान को लगातार धमकी दे रहा है डकलोम के मुद्दे पर, और खास करके कहीं ना कहीं वो सड़क बनाकर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की सेना जिस तरह से डटी हुई है, और कल भी चाइना ने धमकी दी। हिंदुस्तान के लोगों से हमारी अपील है कि 9 अगस्त अगस्त क्रांति का दिन है। गांधी जी ने 1942 में आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये चाइनीज कंपनियाँ जो हिंदुस्तान में घुस रही हैं, चाइनीज उत्पाद जो हमारे आधे से ज़्यादा बाजार में कब्जा कर रखा है, इनको आर्थिक युद्ध इनके खिलाफ छेड़ना है। 100% चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए और जिन्होंने रखा भी हुआ है उनको उसी तरह से फेंक देना चाहिए जैसे ना नोटबंदी के दौरान आप लोग को जगह जगह नोट पड़े मिल रहे थे। चीनी बिल्कुल 100% चाइना जितना भी माल है उसका ऐसा बहिष्कार होना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है वो भारत माता का बहुत 100% गद्दार है। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद।